अपवर्क पर राइट क्लाइंट कैसे सर्च करें या कैसे देखें कौन सा क्लाइंट अच्छा है काम करने के लिए, आज का ये टॉपिक है। दोस्तों, स्किल माफिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये रिवील करूंगा कि अपवर्क पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट कैसे सर्च करना है, किस क्लाइंट को इग्नोर करना है, किस क्लाइंट के लिए काम करना है, और कैसे कैसे ये फाइंड करें कि क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करके उसके साथ काम करना है या नहीं करना है, या उसके साथ किस तरह का उसके साथ रिस्पॉन्स करना है, वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक स्किल माफिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा और एक से एक ऐसी स्टेप्स बताता रहूँगा जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताते। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं मेरे अपवर्क का पूरा पैनल, जहाँ पे मैंने लॉगिन किया अपवर्क पर और मैंने रिसेंटली एक जॉब पर अप्लाई किया था। आप ये देखें, नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताता रहूँगा। बाकी अगर वीडियो आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूँ कि आप ये ज़रूर देख लेना प्रपोजल कैसे राइट करते हैं। और बिगिनर टू एडवांस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है और 17 टिप्स शेयर की हुई है इस वीडियो में। आप इन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा अगर अपवर्क पर सक्सेस चाहते हैं। अब बात करते हैं क्लाइंट कैसे सर्च करें अगर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं या किसी इस फील्ड पर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस लेता हूं, क्योंकि वर्डप्रेस पर सबसे ज़्यादा जॉब आती है। अगर वर्डप्रेस आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीख लो, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। और एडवांस टिप्स या एडवांस तरह से वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करते हैं, मैं इसकी वीडियो आने वाले कमिंग फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वर्डप्रेस। अगर मेरा साउंड क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वॉइस क्लियर है। अगर किसी तरह का शोर शराबा आप महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अवॉइड करूँ और वॉइस को क्लियर करूँ आपके लिए। क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे ना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वीडियो की क्लैरिटी के लिए, इसलिए मैंने ब्लू यैटी का एक अच्छा सा माइक ख़रीदा है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना सारा सेटअप शेयर करूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया है, आप जब तक मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं एक फेस वाली वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो हो गया, मैंने वर्डप्रेस टाइप किया, सर्च किया। अब ये देखो 155 जॉब्स, मतलब 15,511 जॉब मार्केट में आई हुई हैं। अब ये देखना है कि कौन सा क्लाइंट, कई सारे जॉब जल्दी जल्दी खोलता हूँ। प्रपोजल लिखने के लिए मैंने वीडियो बना दी है, ये वीडियो जो मैंने बनाई है ना, इसको जरूर देखना, क्योंकि जल्दी जॉब जीतनी है, जल्दी से आप किसी जॉब को पकड़ना है तो फटाक से रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट को। अब क्लाइंट कैसे अच्छा ढूंढें, ये मेन सवाल है। तो अब मैंने पहली जॉब देखी, मैं 3-4 जॉब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 5-6 ओपन कर दिए, अब एक एक करके चलते हैं। अब इसमें लिखा है क्रिएट अ वेबसाइट दैट कैन बी यूज फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए ये क्लाइंट जो है अपना काम करवाना चाहता है। ओके, ये हो गया। आपने पहले धीरे धीरे वेरीफाई करते रहना कि क्या 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 कर कहाँ कहाँ है बंदा, ठीक है। क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करनी है। अब अबाउट द क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, पहले चेक करो उसकी पेमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर पेमेंट वेरीफाइड नहीं है तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उस दिन देख रहे हो कि जॉब उसने कई सारे पोस्ट किए और कोई काम नहीं करवाया है तो यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, उसका पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, रिव्यू बेकार है तो भी बेकार क्लाइंट है। जर्मनी से है, ठीक है, आपकी टाइमिंग से थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर इंडियन क्लाइंट होता तो आपके टाइमिंग, मतलब दिन में आपसे काम करवा रहा था, इस क्लाइंट के लिए आपको रात में काम करना होगा या इसकी कंडीशन पर काम करना होगा। इसने 2 जॉब्स अभी तक डाली हैं और 50% हायरिंग रेट है। 50% हायरिंग रेट है तो मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगी बेकार क्लाइंट है, 50% मेरा बेंचमार्क है, कम से कम 50% से ऊपर उसका होना चाहिए तभी मैं किसी क्लाइंट की जॉब को अप्लाई करता हूँ। 50% से नीचे वाले के लिए मैं अप्लाई ही नहीं करता। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसने कितना पैसा खर्च किया है। अभी तक उसने $108 ही खर्च किया है, इट मीन्स ये अभी नया क्लाइंट आया हुआ है। आप ये देखें, मेम्बर सिंस सितंबर 2023 में आया है बंदा, मतलब नया नया आया है और अभी अभी इसने स्टार्ट किया है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इसमें इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ कोई घाटा नहीं है, क्योंकि इसकी रिव्यू देखो, पहला रिव्यू भी अच्छा आ गया, तो इसके साथ काम करने जा सकते हो। दूसरी जॉब देखते हैं।
अब इस बार ऊपर से देखा, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट है 2013 का, जुलाई में आया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखो, पिछली बार जॉब में ये मेंशन नहीं था, ये $10 तक अभी दे रहा है। अभी नया वाला क्लाइंट है $13 तक खर्च कर सकता है, और इसने बहुत अच्छा पैसा खर्च कर दिया ऑलरेडी। आप ये देख रहे हो, इसने 6 एक्टिव जॉब करवाई हैं, जुलाई 2013 से काम कर रहा है बंदा, और $72,000 खर्च कर चुका है। और रेटिंग भी इसकी इसने अच्छी खासी मेंटेन की हुई है, 4.02 अच्छी होती है। बट इसके साथ इश्यू क्या है ये देखो, आप ये देख रहे हो, सबसे बड़ा इशू इसी के साथ है। मैं इस क्लाइंट के साथ बिल्कुल नहीं चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी हायरिंग रेट बहुत कम है। अब इसको दूसरे पहलू से देखते हैं। मैं इस क्लाइंट के साथ ज़रूर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। समझ रहे हो कहाँ कहाँ पे खेल हो रहा है? मैं इस क्लाइंट के साथ ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है। और अगर मैं पैसे के हिसाब से देखूँ या हायरिंग रेट से देखूँ तो मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि लोग इसकी जॉब पे अप्लाई बहुत करते हैं। तो ये बिल्कुल छाट की सर्च करता है, मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को भी हायर कर लिया। अगर आपने वर्डप्रेस की अच्छी खासी नॉलेज है, मतलब एक्सपर्ट हो, तभी इस ऐसे क्लाइंट पर अप्लाई करना जिसकी रेटिंग अच्छी है और हायरिंग रेट कम है, 50% से नीचे है तो और रिस्क है, आप अप्लाई करोगे ये डिनाई कर देगा। और इसकी जॉब पर ऑलरेडी अभी इसने 5 से, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो कितना कितना अटैक हो गया हुआ इसके, इसमें 10 प्रपोजल आ चुके हैं, आते रहेंगे इसके में। तो बिल्कुल चूजी बंदा है। अब आते हैं इस वाली जॉब पर, जो तीसरी जॉब है, वेब डिज़ाइन फॉर NFT वेबसाइट, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। नीचे चलते हैं, मेंबर अभी नया है, अक्टूबर 2023 से आया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का है। पिछले वाला कहाँ का था? डेनमार्क का था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का है, मतलब रात में काम कराएगा। इशू ये देखो, इसने अभी तक पैसा खर्च नहीं किया अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर 2023 है ना, ठीक है, बिल्कुल नया बंदा है। इसकी जॉब पर खुल के खेलो, मैं मानता हूँ इसकी जॉब पर अप्लाई कर दो, जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ अभी आपके सामने, पिछले वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं इसमें अप्लाई करता हूँ आपके सामने, देखते हैं ये मेरी जॉब को रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। 12 कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने खेलता हूँ मैं। ये लिया मैंने, ये पिछले वाले टैब बंद कर देता हूँ, यहाँ मैंने खोला ChatGPT और मैंने किया यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे मैंने किया राइट अपवर्क पोजल फॉर बिलो जॉब, आप भी यही फॉलो कर लेना। एंड मेक इट आई कैची एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। अब इसने ऐसा बना दिया प्रपोजल मेरा कि बंदा देखेगा ही देखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उठा के इसको कॉपी करा, ये मुझे ज़रूर पक्का, मुझे पक्का है, मुझे इतना तो पता है कि ये मेरा प्रोफाइल ज़रूर देखेगा। मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको हैंड टू हैंड अप्लाई कर देता हूँ। ये इसकी डिमांड है $30 देगा, $30 मतलब मैं इसको कर देता हूँ $28। मैंने इसको यहाँ पे नेवर कर दिया, यहाँ पे डाल देता हूँ पेस्ट, बॉम रिगार्ड्स ऋषिकेश कर देता हूँ, और साथ में अपनी प्रोफाइल जो है ना, अपनी प्रोफाइल मैं यहाँ खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया, मैं ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे साथ में इस प्रपोजल के नीचे यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये सब हो गया। ईमेल लिखा डियर क्लाइंट, और यहाँ पे लिखा मैंने आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड योर, ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया वर्डप्रेस वर्डप्रेस। अभी बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे चूज ना करे, कि जो मैंने लिखा है ना इसके लिए,
साथ में मैं अपना रिज्यूमे अटैच करता हूँ। रिज्यूमे इसको ज़्यादा समझ नहीं आएगा पर मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ। एक ओपन गेम खेल रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। और ये किया मैंने सबमिट, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको क्लोज करता है, मैं आपको लाइव करके भी दिखा रहा हूँ किस तरह से। पिछली वाली वीडियो, तो अगर पिछली वाली वीडियो मिस कर दी ना तो प्रपोजल वाली जो जरूर देख लेना, वरना तो गए काम से। ओके, तो ये वाले इस वाले जॉब में आते हैं। बंदा है 2016 का, मतलब इसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। $13 पर घंटे के एवरेज चार्ज देता है। $11,000 खर्च किए हैं इसने, 107 लोगों को हायर कर चुका है, 4 एक्टिव जॉब चल रही हैं। और ये देखो सबसे अच्छी चीज़, इसने क्या मेंटेन किया हुआ है। मतलब ये क्या करता है, ये जॉब पोस्ट करता है और वेट करता है थोड़ी देर के लिए, और किसी एक बंदे को जल्दी से हायर करके निकल लेता है। ये रिजेक्ट नहीं करता किसी को, मतलब किसी को सेंड किया तो जिसको सेंड किया उसको हायर जरूर करता है। अगर जिसका हायर रेट 100% चल रहा है और रेटिंग इसकी 4.75 है, तो भाई सोने पे सुहागा बंदा है। ऐसे जॉब को छोड़ना मत, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं भी यही करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये गया मैं इधर, ठीक है। तो मैंने सेम चीज़ वही करी है आपके सामने, अप्लाई करता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कनेक्ट वनेक्ट तो हम लेते रहेंगे। प्रोफाइल कोई सी भी ठीक है, इसमें गए, इसे $15 देगा तो मैं 15 ही कोट कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ 12 मंथ्स, 10%। रिगार्ड्स, ये प्रोफाइल कॉपी करी और यहाँ पर गया, इधर पेस्ट किया, अटैच किया। दोस्तों वेट नहीं करना बिल्कुल भी, जहाँ आपने वेट किया वहाँ पे आपका नाश हो जाएगा। डियर क्लाइंट, अब इसमें यहाँ पे इतना लिख करके किया मैंने, और एक बार पढ़ लेता हूँ ढंग से, क्योंकि बिना उसके ना गलती से चेपा चेपी कर दिया तो कर जाएगी। ठीक है, ओके सब सही है। और ये आग लगी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब एक चीज़ और करनी है, अगर ये आइकन में यहाँ डाल दो, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, ये पेस्ट कर दिया एज अ वर्डप्रेस गुरु, वर्डप्रेस, हाँ ठीक है, वर्डप्रेस गुरु डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जे, ये ठीक है। अब बाकी चीज, अब दिख क्या सबसे अच्छी चीज़ जानते क्या है, यहाँ पर ये आइकन ही आपके लाइन में सबसे ऊपर लेके आएगा, तो 4-5 जगह भागेगा ना, वो आपके इस प्रोफाइल पे आके कूद जाएगा। आगे सेंड कर दो, प्रोफाइल तो अटैच किया ना मैंने, ठीक है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट जॉब पर। ये बंदा बहुत ही चिड़चिड़ा बंदा है, ये देखो $40 दे रहा है, चिंदी चोर है बंदा। इसके लिए, ऐसे बंदों के लिए काम बिल्कुल मत करना, वन बाय वन चलते हैं। मेंबर सिंस 2022 से, ठीक है। $3 पर घंटा का देता है, $800 खर्च कर दूंगा, 34 हायर किए इसने, 48 जॉब डाले, 67%, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो अच्छा चल रहा है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, पर ये मुझे खल रहा है बहुत ज़्यादा, फिर फालतू में टाइम वेस्ट करना करवा रहा है। रेटिंग बहुत अच्छी है और पाकिस्तान से, कोई मैटर नहीं करता पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो। सबसे बड़ी दिक्कत है ये, जिसने जो चिंदी चोरी वाला काम यहाँ किया है ना, $40 वाला, अगर यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कुछ भी होता और ये चीज़ होती यहाँ पर, तो मैं पक्का इसको कहता कि भैया नहीं, मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं तो मैं इस जॉब पर अप्लाई नहीं करता। आई नीड ए वेबसाइट टू माई मॉडल बिजनेस, आई विल प्रोवाइड यू टेक्स्ट, लोगो, इमेजेस, आई वांट ऑन माई वेबसाइट, आई नीड टेक्स्ट इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा रहा है। आई विल प्रोवाइड यू टेक्स्ट इन जर्मन, ठीक है जर्मन दे देगा। दिस इज़ माई कंपटीटर वेबसाइट, इसको खोल के दिखवाने के लिए क्या रहा है। ओके इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहा है ये, ठीक है। और इतने कह रहा कि $40 दूंगा, अरे यार कम से कम $100 देता तो काम करते हम। बंदे ने बिड भी किया वैसे काम पर, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल इसमें टाइम वेस्ट है, कोई मत अप्लाई करना। अगर बिगिनर हो तो अप्लाई करना, वरना कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, बंद करो यहाँ पर। डेवलपर नीडेड टू फिक्स ब्रोकन कॉन्क्रीट CMS वेबसाइट ड्यू टू अपग्रेड, ठीक है।
एसक्यूएल बैकअप सारी चीज़ मांग रहा है। जॉब जरूर पढ़नी है, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने अभी दो जॉब पे अप्लाई किया ना, तो मैंने चैट जीपीटी देख करके अच्छा खासा वो किया है। लेकिन आप जरूर देखना पहले जॉब को, ढंग से पढ़ लेना पहले फ्राक से, एक दो मिनट मिलेंगे पढ़ लेना उसको, और नहीं पढ़ा तो समझ लो वहाँ पे भी आपका गेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि नीचे लिखते हैं कि राइट ए वर्ड, कुछ ऐसा आइडेंटिटी देते हैं कि उससे नहीं लगेगी आपने उनका प्रपोजल पढ़ा है। वो यहाँ पे कुछ दे देंगे, राइट ग्रीन पैरेट ऑन टॉप, अगर आपने ग्रीन पैरेट लिखा ही नहीं है तो आपकी जॉब सेलेक्ट ही नहीं होगी। ओके, अब आते हैं इसकी जॉब, इस क्लाइंट के बारे में। 2019 से काम कर रहा है, 19 से भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक भी हायरिंग नहीं करी है, वन जॉब पोस्ट की हुई है अभी, ये मतलब अकाउंट बना के पहली जॉब डाली उसने। और यूनाइटेड, ठीक है, अरब एमिरेट्स से है, पेमेंट वेरीफाई करके बैठा हुआ है। 8 कनेक्ट लगेंगे इसमें आपके, अवेलेबल कनेक्ट इतने हैं, ये तो मेरे वाले हैं, ठीक है। कनेक्ट को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, कनेक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से किन जॉब को ही सेलेक्ट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी क्लाइंट की बात चल रही है, जॉब किस जॉब पर अप्लाई करना है जिसमें पॉजिटिव सिग्नल आपको मिलेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, केवल इसमें क्लाइंट से रिलेटेड बात हो रही है। पेमेंट वेरीफाइड हो गया, यूनाइटेड ठीक है, 0% है, मेंबर 2019 से है, सबसे बकवास क्लाइंट, इस क्लाइंट के लिए अप्लाई मत कर देना, टाइम वेस्ट करेगा आपका, टाइम वेस्ट करेगा आपका, कनेक्ट वेस्ट करेगा, और हो सकता है आपकी प्रोफाइल को भी डैमेज करेगा। क्योंकि आप जिस जॉब पर अप्लाई करते हो ना, और उस पर रिस्पॉन्स ना आए क्लाइंट का, तो आपकी रेटिंग डाउन होती रहती है। अब आते हैं, डाउनलोड ए पेड कोर्स फ्रॉम यूडेमी वेबसाइट। ओके ठीक है, लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प डाउनलोड ए पेड कोर्स फ्रॉम यूडेमी वेबसाइट फॉर फ्री। ओके, $3 पर घंटे के देगा। ओके, पेमेंट नॉट वेरीफाइड, पेमेंट नॉट वेरीफाइड है इसका, और 4 कनेक्ट ले रहा है, और 69 कनेक्ट मेरे बचे हुए हैं, ठीक है, 4 कनेक्ट लगेंगे जॉब में, और इंडिया का है क्लाइंट। मेरे हिसाब से पहली बात तो 21 आज ही आया है, इसको कोर्स चाहिए, पता नहीं कौन सा कोर्स चाहिए। पेमेंट नॉट वेरीफाइड है पहली बात, सबसे बेकार सिग्नल ये है कि क्लाइंट नया भी है, पेमेंट नॉट वेरीफाइड है, मैं तो इसमें जॉब अप्लाई नहीं करता। प्लस इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, पेड कोर्स चाहिए इसको, और डाउनलोड के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको लगे तो अप्लाई करो, पर ये मेरे लिए तो टाइम वेस्ट ही है, इस पर अप्लाई करना बहुत बेकार है। क्लोज। रिक्रूटमेंट वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये कह रहा है, वी हैव ए करेंट वेबसाइट दैट इज डायनेमिक यूज़र फ्रेंडली, आई रिक्वायर ए फुल डिज़ाइन, ये वो डायनेमिक यूज़र फ्रेंडली, बट ऑल्सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, दिस वेबसाइट इज सेल्फ नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ जॉब पोर्टल स्टाइल फंक्शन, बट मस्ट शो प्रोफेशनल एंड फ्यूचरिस्टिक ट्रेट्स, समथिंग दैट विल बी मेमोरेबल एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एंड जॉब सीकर। ओके, $1500 देगा बंदा, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते धीरे धीरे, ये बंदा क्या देगा आप, $26 दे रहा है पर घंटे का, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पुराना क्लाइंट है, सबसे अच्छी बात, वन बाय वन चल रहे हैं, देखा, मतलब क्लाइंट बर्थ देखा हमने, कंपनी है बंदा, $26 दे रहा, बहुत अच्छा, मतलब पैसा बहुत है इसके पास, $1800 खर्च कर चुका है, नो हायर इसने किए हैं, और यूनाइटेड अमरेट से दुबई से है, मतलब पैसा भर के इसके पास, 16 कनेक्ट लेगा आपके, रिस्क है पर क्या ही कर सकते हैं, रिस्क तो है इस पे। लेकिन ये जॉब ऐसी है कि अगर आपने इसमें अप्लाई करके इसकी जॉब करके दे दी, तो ये आपको मेमोराइज रखेगा, इसका नाम भी मिल जाएगा, क्लाइंट हिस्ट्री अगर कहीं इसने नाम दिया हो तो मिल जाएगा। एक दो तीन बंदों को ही हायर कर रहा है बार बार, ये वकास अली को और रिजोल को हायर कर रहा है, और सलमान को, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को हायर जरूर करेगा दोबारा ये। ऑल राइट, तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह से क्लाइंट देखना है अपने किसी जॉब के लिए, जो जिस जॉब पे आप अपने जो जॉब भी आप अप्लाई कर रहे हो, या किसी भी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो पहले ऐसे ही नहीं कूद जाना है, अपर पे प्रोफाइल बना लिया,
सब कुछ सेट कर लिया, जैसे प्रोफाइल यहाँ दिख रही है, सब कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है, सब कुछ सजा लिया अपने बारे में, अपने अपने बारे में लिख दिया सब कुछ, सारी चीज़ें हो गई, फिर आपने सोचा कि अब तो हम काम कर रहे कूद जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आपको, जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, लेकिन क्लाइंट से रिलेटेड, कैसा क्लाइंट सर्च करें अपर पर, किस तरह से क्लाइंट्स के बारे में जाने, ये मैंने मेरा मेन टॉपिक था इस वीडियो में आपको बताने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में आपको पता लगा होगा कि किस तरह से क्लाइंट को सर्च करना है, क्लाइंट के बारे में समझना है मतलब, और किस तरह से उस क्लाइंट के लिए काम करना है या क्लाइंट को इग्नोर करना है, ये आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको किस क्लाइंट को या किस जॉब पर किस तरह से हिट करना है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के बारे में पता कर लिया, पेमेंट पता कर लिया, सब कुछ सेट हो गया। कुछ ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जो अपवर्क पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पर। स्किल माफिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है इस वीडियो पर, आप कहाँ से हैं, मुझे बस इतना जानना है। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, आपकी कंट्री नहीं पूछ रहा, आपका कंट्री अगर आपको रिवील करना है कर देना, बस आप ये बताइएगा कि वीडियो में कुछ समझ आया या नहीं समझ आया, और साथ के साथ आपके ऊपर इच्छा है आप कहाँ से हैं जरूर बताएं, जिससे मुझे पता तो लगे जो व्यूअर है मेरा कहाँ से है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी। और एफिलिएट मार्केटिंग की अगर आप वीडियो देखना चाह रहे थे तो एफिलिएट की क्लीन वीडियो के साथ मैंने ये वीडियो डाल दिया है, जिसके कई सारे पार्ट्स थे जिसमें बैकग्राउंड नॉइस था, मुझे कंप्लेन आई थी, तो मैंने सबका मर्ज करके एक क्लीन वीडियो के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स की वीडियो बना डाली है। इसको देखो और साथ में कमेंट करो अगर वॉइस में तब भी कोई इशू आया है तो। मैंने ये कोशिश करी है कि इस वीडियो में जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ आप आउटपुट दूंगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट साउंड का इशू ना हो कि अब बहुत सारा शोर आ रहा है, आपको परेशानी हो रही समझने में। ठीक है दोस्तों, मैं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपवर्क की और भी ज़्यादा टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।